पपीता को फल के तौर पर सब जानते हैं। कई लोग इसका सेवन फल की तरह और कई लोग इसे सब्जी के तौर पर भी खाते हैं जब ये कच्चा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पपीता खाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सस्ते और आसानी से मिलने वाले पपीते से हमारे सेहत को कितना लाभ पहुंचता है। पपीता सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। पपीता खाने से आप अपने बढ़ते मोटापे को काबू कर सकते हैं। पपीते में कैलोरी की मात्रा भी कम होती है। आप पपीता को जूस के तौर पर भी ले सकते हैं। पपीता आपके स्वास्थ्य के साथ ही त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। हर रोज पपीता खाने से आपको कई तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। आइए जानते हैं पपीते के फायदे। पपीता मोटापा घटाने के साथ ही आपकी आंखों के लिए भी लाभकारी होता है। अगर आपको कब्ज है तो रोज पपीता खाएं। इससे पेट साफ होता है। 100 ग्राम पपीते में 43 ग्राम कैलोरी होती है। पपीता खाने से शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होती। 100 ग्राम पपीते में 0.47 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। 100 ग्राम पपीते में 1.7 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम पपीते में 10.82 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 7.8 ग्राम शुगर की मात्रा होती है। ऐसे में जो लोग अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं वह प्रतिदिन डाइट में पपीते का सेवन कर सकते हैं। पपीते में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी शामिल होती है। 100 ग्राम पपीते में 20 ग्राम कैल्शियम एवं 21 ग्राम मैग्नीशियम होता है। पपीता पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद होता है। पपीते में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जरा सी भी नहीं होती। इसकी वजह से यह हृदय के लिए भी लाभकारी होता है। पपीते में मौजूद फाइबर आपके खाने को पचाता है और कब्ज की शिकायत दूर करता है। पपीते का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी किया जाता है। इसका फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगाया जाता है। इससे त्वचा निखरती है और कोमलता बरकरार रहती है। पपीते में विटामिन ए, सी और के की मात्रा होती है जो संक्रमण से बचाती है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई वे तमाम जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी। अगर हमारे चैनल मेल बिहार को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी हेल्थ टिप्स के लिए उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।